ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आज आप श्री शिव गीता अध्याय त्रण विषे अध्ययन करीशू, जेमा विद्या दीक्षा योग विषे माहिती आपेल छे। आ अध्याय में अगस्त्य ऋषि श्री राम ने विद्या दीक्षा योग लेवा सूचन करे छे, ते अंगे मार्गदर्शन पण आपे छे। अगस्त्य जी बोल्या, काम क्रोधादिथी पीड़ित थई मनुष्य हितकारी वचन सांभळतो नथी, एने हितकारी वचन सारा नथी लागता, जेम के मरणसिंह ने औषधि गमती नथी, सीता ने जे मायावी राक्षस सागर ना मध्य में लई गयो छे, हे राम ते तमारी नजीक हवे केवी रीते आवी शके, जेना द्वारा पर वारनाना यूथनी जेम बधा देवताओं बांधी लीधा छे, देवताओं स्त्री जेमना त्या चामन ढोड़े छे, जे शिवजीना वरदान थी गर्वित थई समस्त त्रिलोक ने भोगवे छे अने भय रहित छे, एने तमे केवी रीते जीतशो। इंद्रजीत पण एनो पुत्र छे, जे शिवजीना वरदान थी गर्वित छे, तेनी समक्ष देवता पण घणीवार संग्राममांथी भागी गया छे, देवताओं ने भय आपनार जेनो भाई कुंभकर्ण छे खूब ज भयंकर छे, ने अनेक प्रकारना दिव्यास्त्र धारण करना चिरंजीवी विभीषण पण छे, देव अने दानव ने दुर्गम एवो जेनो लंका नामनो दुर्ग छे अने जेने त्यां करोड़ों नी चतुर्गिणी सेना छे। हे राजन, पछी तमे एकला केवी रीते जीतशो? तमारी आ वात एवी छे कि जेम कोई बाळक चंद्रमा ने हाथ में लेवा चाहे ए प्रकारे तमे काम थी मोहित थईने एने जीतवानी इच्छा करो छो। श्री रामचंद्र जी बोल्या, हे मुनि श्रेष्ठ, हूँ क्षत्रिय छूँ, मारी पत्नी नो हरण राक्षसे कर्यू छे, जो तेने हूँ न मारूँ तो मारू जीवन जीवनो शूँ फळ छे? आ कारण थी तमारा तत्वबोध थी मने कशु पण प्रयोजन नथी, आ काम क्रोध वगैरे मारा शरीर ने भस्म करी छे, पोताने प्रियानु हरण थवाथी अने शत्रु थी पराजय थवाथी मारो अहंकार पण नित्य मारा जीवन ने हरण करवा उद्यत छे। हे मुनिश्रेष्ठ, जिन्हें तत्वज्ञान इच्छा होय ते लोकना पुरुष में नीच छे, आ कारण सागर ओणंगी ने युद्ध में तेने मारवानो उपाय तमे कहो, तमाराथी श्रेष्ठ कोई मारो गुरु नथी। अगस्त्य जी बोल्या, तमारी एवी इच्छा छे तो पार्वतीना पति शिव अविनाशीनी शरण में तमे जाओ, तेओ प्रसन्न थई तमने मनवांछित फल आपशे। इंद्रादि देवता हरि अने ब्रह्मा पण जेने जीती नथी शक्या ते शिवजीना अनुग्रह वगर तमारथी केवी रीते ते मार्यो जशे? आ कारणे हूँ विरजा मार्गथी तमने दीक्षा आपू छूँ, आ मार्गथी तमे मनुष्यपणू छोड़ीने तजोमय थई जशो, जेना प्रतापथी युद्धमां शत्रुने मारीने संपूर्ण कामनाओने प्राप्त करशो ने समस्त धरामंडळने भोगवीने अंतमां शिवलोकमां जशो। सुतजी बोल्या, त्यारे रामचंद्र जी मुनिश्रेष्ठ ने दंडवत प्रणाम करीने दुख त्यागीने प्रसन्न मन थई बोल्या। श्री रामचंद्र जी बोल्या, हे मुनि, हूँ कृतार्थ थई गयो, मारा कार्य सिद्ध थई गया, जारे समुद्र पी जनारा आप मारा उपर प्रसन्न छो तो मारा माटे शुं दुर्लभ छे? आ कारणे हे मुनिश्रेष्ठ, तमे मने विरजा दीक्षानी विधि कहो। अगस्त्य जी बोल्या, शुक्ल पक्षनी 14 अष्टमी के एकादशी सोमवार अथवा आर्द्र नक्षत्र में आ कार्य आरंभ करजो, जेने वायुश्रेष्ठ रुद्र अग्नि परमेश्वर निरंभ जगतना नियंता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिकोथी पण जुदा हो तेने शिव कहवाय छे, जे ब्रह्म विष्णु अग्नि वायु एमना पण उत्पन्न करवा वाला छे, ए प्रकार सदाशिवनू ध्यान करीने अग्निबीजथी गुरहाग्निनू ध्यान करी देह उत्पत्तिना कारणभूत जे पंचमहाभूत छे ते वायुबीजथी पृथक छे, आ प्रकारनी भावना करीने ए महाभूतोना गुणना क्रमथी ध्यान करे के गुरहाग्निथी दग्ध थनारी भावना करावे, एना प्रकार मात्रा अर्थात पंचमहाभूतोना गुण रूप रस गंध स्पर्श अने शब्द आ पांच छे, पृथ्वी में पांच गुण रहेला छे, जड़ में शब्द स्पर्श रूप रस आचार तेमज शब्द स्पर्श रूप आ त्रण, वायु में शब्द अने स्पर्श आ बे अने आकाश में शब्द आ एकज गुण छे,
इन एनी उत्पत्ति नो क्रम आकाश थी वायु, वायु थी तेज, तेज थी जड़, जड़ थी पृथ्वी उत्पन्न थाय छे। अने आना थी विपरीत अर्थात पृथ्वी जड़मा, जड़ तेजमा, तेज वायुमा, वायु आकाशमा लई जई थाय जाय छे। वधारे वधारे गुणना भूत न्यून न्यून गुणवाला भूतोमा लई थई जाय छे। अने आ बधानी अमात्रा जेना गुण नथी ए अहंकार आदि ने लय करे अर्थात पंच महाभूतोना अहंकारमा अहंकार ने महत्व महत्त्वमा महत्वनो मायामा मायाने बधाना आधारभूत परमात्मामा लय करे छे। करे पछी अमृत बीजथी लयने विपरीत क्रम करीने आ देह उत्पत्ति विषयमा प्रवृत्त छे एवी भावना करीने हूँ दिव्य देह छूँ अने पूर्व देहना उत्पन्न करवावाळा बधा गुण अने द्रव्यनो अग्निबीजथी दाह करीने एनु परमात्मामां लय करीने अमृत बीज पुनर्जीवन करीने आ देह अमृत अने दिव्य छे आई भावना करे आ प्रकार बुद्ध शुद्धि करीने पाशुप्रत व्रतनो आरंभ करो। पछी प्रातकाळ ज हूँ पाशुपत व्रतने करीश एवा टूंका संकल्प करी पोतानी शाखा तथा गृहस्थ सूत्रथी अग्नि स्थापन करवो। ते दिवसथी व्रत राखीने पवित्र थाओ, सफेद वस्त्र धारण करो, शुक्ल यज्ञो पवित्र अने शुक्ल माला पहेरो। पछी अंतकरण एकाग्र करी प्रणा पान प्यानो दान समाना मा शुद्धिमताम तथा ज्योतिरहम विरजा विपास्मा वयमसम स्वाहा आदि विरजा मंत्रना अनु वाक परे संहिता आज्य अने चतुर चरुथी हवन करो। हवन अनंतर याते अग्नियातन आ मंत्रथी अग्नि ने आत्माना आत्मामा आरोपण करीने अग्निथी भस्म ने मंत्रोथी अभिमंत्रित करी ललाट वगैरह अंगों में धारण करो। जे ब्राह्मणना शरीर ऊपर भस्म लागेली होय छे ते महापाप माथी पण छूटी जाय छे एमां संदेह नथी। जेनुं कारण छे के भस्म अग्निनुं वीर छे, हूँ पण अग्निवीरने धारण करवाथी बलवान थई जईश। आ रीते जे नित्य भस्म स्नान करी ने जितेन्द्रिय थई भस्म पर शयन करे छे ते बधा पापथी मुक्त थई शिवलोकने प्राप्त करे छे। हे राजन, तमे आ रीते करो ने शिव सहस्त्र नाम हूँ तमने आपू छू, तेनाथी तमारा बधा मनोरथ पूर्ण थशे। सुतजी बोल्या, आऊं कहीने अगस्त्यजीए रामचंद्र जी ने शिव सहस्त्र नामनो उपदेश आप्यो। जे बधा वेदों में सार छे, जे शिवजी ने प्रत्यक्ष करवा वाला छे, एमने आपीने अगस्त्यजी कह्युं, हे राजा, तमे आने दिवस रात जपो त्यारे भगवान शिवजी प्रसन्न थईने पाशुपत अस्त्र तमने आपशे, जेनाथी तमे शत्रुने मारीने तमारी पत्नीने मेळवी शकशो। ए अस्त्रना प्रभावथी सागरने शोषी शकशो। संहार समय शिवजी आज शस्त्रथी जगतो संहार करे छे। आने मेळव्या वगर राक्षसो पर विजय मेळवो खूब ज दुर्लभ छे, तेथी आ शस्त्रने मेळवा निमित्ते शिवजीनी शरणमां जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अहीं आ अध्याय त्रीजो पूर्ण थाय छे। हर हर महादेव। जय श्री राम।